Good morning class. This is our new Anna Physio class in which today we will going to start our new topic, new system, that is the respiratory system. Respiratory system आप जानते हैं कि भाई वो सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है, CO2 छोड़ रही है. तो मतलब इसके अंदर मेनली क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, हमारे ब्लड और हमारे इंटरनल बॉडी के ब्लड और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में गैसियस एक्सचेंज करना, जैसे ऑक्सीजन लेना और CO2 देना. ये गैसेस का एक्सचेंज जो है वो हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई पाए जाते हैं उनके अंदर चलता है. ये गैस एक्सचेंज की साइट है. इसके अलावा पैसेज वेज लंग के जो हैं वो आने वाली एयर को प्योरीफाई करते हैं, उसको गर्म बनाए रखते हैं और उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम करते हैं. और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ में वो इस गैसेस को शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं. और अपना ये काम भी जो ये गैस एक्सचेंज का है वो आप ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ में शेयर करता है. ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ब्रोंकियोल्स आगे छोटे छोटे एल्वियोलाई में डिवाइड हो रहे हैं. एल्वियोलाई के दो पार्ट्स हैं, जो थोड़ी लंबी डक्ट हैं वो एल्वियोलर डक्ट और जो गोल गोल से थैलेनुमा स्ट्रक्चर एल्वियोलर सैक कहलाते हैं. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेनली कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो देखिए नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स के एल्वियोलाई. इनमें से भी आपको मैंने नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स जो है वो पढ़ा दिया था जब हम ENT पढ़ रहे थे, तो थ्रॉट के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था. तो देखिए डायग्राम के अंदर दिया हुआ है नेज़ल, ये जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं जिनको अपन नॉस्ट्रल्स कहते हैं, नॉस्ट्रल्स के अंदर से होती हुई नेज़ल कैविटी जा रही है, उसी के पास ओरल कैविटी जा रही है. ये दोनों के दोनों आगे बढ़ती हुई फेरिंग्स और फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स में खुल रही है. लैरिंग्स आगे जाकर ट्रेकिया के अंदर खुल रही है और ट्रेकिया बाइफर्केट होकर के लेफ्ट लंग और राइट लंग के अंदर डिवाइड हो रही है. और लेफ्ट और राइट लंग का बेस और एपेक्स दोनों बताए गए. ऊपर का पॉइंटेड पार्ट उसका एपेक्स है, नीचे का ब्रॉडर पार्ट उसका बेस है जो कि नीचे डायफ्राम से जुड़ा हुआ है. अब ये देखिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इस डायग्राम के अंदर बताया हुआ है. ये डायग्राम आप अच्छे से, ये पहला वाला डायग्राम भी अच्छे से याद कर लीजिए, दूसरा वाला भी कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको कह रखा भाई एनाटॉमी के अंदर जो है अपने को डायग्राम ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है. फंक्शंस अपन फिजियोलॉजी में बताते हैं और डायग्रामेटिकली चाहे क्वेश्चन एग्जाम में उन्होंने मेंशन किया है या नहीं किया है कि डायग्राम बनाओ, आपको डायग्राम बनाना ही है. तो देखिए ये डायग्राम ब्रेन से कनेक्ट हुआ हुआ बताएगा, स्फेनॉइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, क्रिबिफॉर्म प्लेट, एथमॉइड बोन की बताई गई है. ये सुपीरियर कॉन्का सबसे ऊपर की तरफ सुपीरियर कॉन्का, उसके बाद बीच में दिखाया गया मिडल कॉन्का और लास्ट में नीचे इन्फीरियर कॉन्का. ये एक्सटर्नल लेयर्स है जो ये आगे जाते हुए इस कॉन्का में खुल रहे हैं. इनके नीचे हार्ड प्लेट बताई गई है, हार्ड प्लेट के नीचे की तरफ सॉफ्ट प्लेट दिखाई गई है और यहीं पर ही टंग की स्ट्रक्चर है. पीछे की तरफ मतलब सॉफ्ट प्लेट और आगे की तरफ हार्ड प्लेट दिखाई गई, उसके नीचे टंग की स्ट्रक्चर बताई गई है. लिंगुअल टॉन्सिल पीछे की तरफ, नीचे एपिग्लॉटिस जो कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमने ENT में पढ़ लिए थे सारी चीज़ें. इसके पास में हायोइड बोन, थायराइड कार्टिलेज है लैरिंग्स का, क्रिकॉइड कार्टिलेज लैरिंग्स का और थायराइड ग्लैंड और नीचे की तरफ ट्रेकिया. उस साइड से हम देखें तो स्फेनॉइडल साइनस के नीचे फेरेंजियल टॉन्सिल, ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग, नेजोफेरिंग्स और इंटरनल नेयर्स बताए गए हैं. तो ये तीन, ये सारी स्ट्रक्चर जो यहाँ पर इतनी सी जगह पर, ये जो एरो बताए गए ना ऊपर से नीचे, उतनी सी जगह पर ये सारी स्ट्रक्चर्स कवर हो रही हैं. उसके नीचे यूवल्वा, पैलेटाइन टॉन्सिल, ओरोफेरिंग्स, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा भाई, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स ये वर्ड सब जगह आएंगे. हम जब सैंपल ले रहे होते हैं या एस्पायरेशन की जब हम बात करते हैं, ओरोफेरिंग्स नेजोफेरिंग्स में ये चीज़ें आ जाती है. तो देखो ऊपर की तरफ नेजोफेरिंग्स है और ये यहाँ उसके नीचे ये जो ट्यूब जा रही है वो ओरोफेरिंग्स की ट्यूब है. इसके नीचे लैरिंजियोफेरिंग्स है, फिर वोकल फोल्ड हैं आपके और नीचे ईसोफेगस है, ये कंटिन्यू हो रहे हैं.
अब सबसे पहली जो स्ट्रक्चर हमने बोली नोज, ये एकमात्र स्ट्रक्चर है जो आपको बाहर दिखाई दे रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बाहर से दिखाई देने वाली एकमात्र स्ट्रक्चर। इसमें एयर एंटर होती है एक्सटर्नल नेयर्स यानी नॉस्ट्रिल्स के द्वारा एंटर होती है। नोज़ के इंटीरियर पार्ट जो है वो नेज़ल कैविटी से बना हुआ है, जो कि दो कैविटीज़ में डिवाइड रहता है नेज़ल सेप्टम के द्वारा। नेज़ल कैविटी जो है वो हमारी दो कैविटी है, लेफ्ट राइट दिखाई दे रहा है आपको आपके नाक के अंदर, तो बीच में जो उस कैविटी को डिवाइड करा वो नेज़ल सेप्टम है। तो ये डायग्राम के अंदर ह्यूमन नोज का डायग्राम बताया गया है कि इससे क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई हैं वो बताई गई हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व जुड़ी हुई है, ऑल्फैक्टरी बल्ब जुड़ा हुआ है, नर्व का बंडल्स आपको पूरा डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, आपका नोज़ और उसके अंदर की नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी के नाच में हम देखें तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो नेज़ल कैविटी की सुपीरियर सरफेस पर जो म्यूकोसा के अंदर पाए जाते हैं, नेज़ल कैविटी की सुपीरियर सरफेस पर म्यूकोसा में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उसके अलावा पूरी कैविटी के अंदर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा की लाइनिंग रहती है, जिससे कि ये एयर को मॉइस्टन करता है, गीला बनाता है, और उसमें कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा हो जो हमारे कोई काम का नहीं है वो इसी म्यूकोसा के अंदर ट्रैप होके रह जाता है। राइट पार्ट में जो आपको छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम हमने पहले पढ़ा था, वही डायग्राम है पूरा। तो हमने कहा कि नेज़ल कैविटी की सुपीरियर सरफेस की म्यूकोसा में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और उसके अलावा पूरे कैविटी के अंदर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा पाई जाती है जो कि एयर को मॉइस्टन करती है और फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है। इसकी लेटरल वॉल्स में प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको अपन कॉन्की कहते हैं। डायग्राम के अंदर आया था ना कॉन्की, देखें एक बार, ये देखिए ये सुपीरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का और इन्फीरियर कॉन्का, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि लेटरल वॉल पर प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको अपन कॉन्की कहते हैं। ये कॉन्की नेज़ल कैविटी के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और एयर टर्बुलेंस को भी नेज़ल कैविटी में बढ़ाते हैं। नेज़ल कैविटी ओरल कैविटी से एक प्लेट के द्वारा सेपरेटेड रहती है, वो एंटीरियर हार्ड प्लेट है जो कि बोन की बनी हुई होती है। पैरा नेज़ल साइनस, ये हमने ENT जब नोज़ पढ़ा था वहाँ मैंने ये चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ा दी थी। बोन्स में जो कैविटी पाई जाती है, कैविटीज़ विद इन बोन्स सराउंडिंग द नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी को सराउंड करती हुई कैविटी जो है वो पैरा नेज़ल साइनस कहलाती है। इसमें फ्रंटल बोन्स, स्फिनॉइड बोन, एथमॉइड बोन और मैक्सिलरी बोन आती है। डायग्राम में दिखाए गए सबसे ऊपर देखिए भाई, फ्रंटल साइनस दिखाया गया है। ये देखिए फ्रंटल पार्ट, ऊपर वाला मिडल मीटियस और नेज़ल सेप्टम, ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स है, एथमॉइड साइनस, फ्रंटल साइनस दिखाए गए और ये मैक्सिलरी साइनस है। तो डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। अब ये पैरानेज़ल साइनसेस काम क्या करते हैं भाई, स्कल को हल्का बनाने का काम होता है, रेजोनेंस चैम्बर की तरह एक्ट करते हैं ये बोलते समय। तो कईयों में ये थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होते तब उनके अंदर आवाज़ जो है वो नाक से आ रही होती, नकियाती आवाज़ जो होती है। तो ये स्कल को लैटन करते हैं, स्पीच के लिए रेजोनेंस चैम्बर बनाते हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं जो नेज़ल कैविटी में ड्रेन होकर के आ जाता है। इसमें म्यूकस बनेगा, इन साइनसेस में म्यूकस बनता है, वो ड्रेन होकर के नेज़ल कैविटी में आ जाता है। दूसरी स्ट्रक्चर है फैरिंग्स, नोज हो गया, पैरानेज़ल साइनस हो गया, नेक्स्ट फैरिंग्स जिसको अपन थ्रॉट कहते हैं। ये नेज़ल कैविटी से लेकर लैरिंग्स तक का एक मस्क्यूलर पैसेज है। इसमें तीन रीजन्स पाए जाते हैं, नेज़ोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स और लैरिंजोफैरिंक्स। नेज़ोफैरिंक्स जो है वो नेज़ल कैविटी के पीछे सुपीरियर रीजन है, ओरोफैरिंक्स मुंह के पीछे मिडल रीजन है, और लैरिंजोफैरिंक्स जो है वो फैरिंग से जुड़ा हुआ इन्फीरियर रीजन है। ओरोफैरिंक्स और लैरिंजोफैरिंक्स जो होता है वो एयर और फूड के लिए कॉमन होता है, नेज़ोफैरिंक्स केवल नाक के लिए, पर ओरो और लैरिंजो एयर और फूड दोनों इसमें से कॉमनली ट्रैवल करते हैं। अब ये थ्रॉट की स्ट्रक्चर दिखाई गई है फैरिंग्स, जो कि कॉमन पैसेज वे है सॉलिड फूड के लिए, लिक्विड के लिए और एयर के लिए।
तो ये देखो नेजोफेरिंग्स कहाँ तक का पार्ट है, तो वो केवल नाक से जुड़ा हुआ ऊपर ऊपर ही है ना केवल, जबकि ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स नीचे की तरफ है, जिसमें ना केवल नाक से आती हुई एयर बल्कि मुंह से आता हुआ फूड वाटर भी इसमें जाएंगे। तो इंटरनल लेयर्स के साथ में जुड़ी हुई स्ट्रक्चर बताई गई है, ये ओरल कैविटी जिसमें यू वल्वा है, नीचे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस है जो कि आगे पीछे की तरफ लैरिंग्स में खुल रहा है, और लैरिंग्स के पीछे ईसोफेगस जो है वो दिखाई गई है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वापस वही डायग्राम आ गया, क्योंकि चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है इसलिए डायग्राम को बार बार दिखाया जा रहा है, ताकि हम बहुत ज़्यादा पीछे हमें जाना जाना पड़े जब हमें स्ट्रक्चर देखनी हो तो। अब नेक्स्ट है फेरिंग्स, लैरिंग्स हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, नेजो फेरिंग्स में एंटर होती हुई एक ऑडिटरी ट्यूब होती है जिसको अपन फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स एक ऑडिटरी सुनने वाली ट्यूब है जो कि नेजो फेरिंग्स में एंटर होती है। टॉन्सल्स ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स में टॉन्सल्स, ये नीचे स्ट्रक्चर दिखाई गई है, फेरेंजियल टॉन्सल, पैलेटाइन टॉन्सल और लिंगुअल टॉन्सल। फेरेंजियल टॉन्सल को एडिनॉइड्स भी कहते हैं, नेजोफेरिंग्स में होता है ये, पैलेटाइन टॉन्सल्स ओरोफेरिंग्स में, और लिंगुअल टॉन्सल्स जो है वो टंग के बेस पर पाया जाता है, इसे लिंगुअल, लिंगुअल वर्ड अपन टंग के लिए यूज करते हैं, सब लिंगुअल यानी टंग के नीचे। अब लैरिंग्स जिसको अपन वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिससे आवाज़ सुनाई बुनाई दे रही होती है, ये एयर और फूड का रूट है जो कि एक प्रॉपर चैनल में जाकर के खुल रहा है। ये बोलने में भी रोल प्ले करता है, एंड मेड ऑफ 8 रिजिड हाईलाइन कार्टिलेज, 8 हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है, एंड सून शेप्ड फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, और आगे जाकर के एक इलास्टिक कार्टिलेज का रूप लेता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। 8 रिजिड हाईलाइन कार्टिलेज है जो कि स्पून शेप की फ्लैप, चम्मच के आकार की फ्लैप इलास्टिक कार्टिलेज भी इससे जुड़ा है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। डायग्राम देखिए भाई, एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स, देखो ये टंग टंग के नीचे स्पून जैसे स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस, उसके पास यहाँ ये वोकल कोड बताए गए हैं, आगे जाता हुआ ट्रेकिया और ईसोफेगस दिखाया गया है। इस डायग्राम में लेफ्ट में नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, टंग आगे बताई गई है, फिर पीछे जाता हुआ एपिग्लॉटिस जो कि एक स्पून या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके पीछे लैरिंजोफेरिंग्स दिखाई गई है, उसके नीचे वोकल कोड, लैरिंग्स, ट्रेकिया और ईसोफेगस। अब ये डायग्राम लैरिंग्स के, इसके 3 व्यू दिखाए गए हैं, एंटीरियर व्यू इंटैक्ट लैरिंग्स का है, दूसरा डायग्राम पोस्टर व्यू, और तीसरा डायग्राम सजेटल सेक्शन लैरिंग्स का दिखाया गया है। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ एपिग्लॉटिस है, नीचे हायोइड बोन है, थायरसिड लिगामेंट जो एक्सटेंसिक रीजन पे पाए जाते हैं, नीचे लैरिंजियल प्रोमिनेंस है, काफ़ी बड़ा सा पार्ट लैरिंजियल प्रोमिनेंस, ये पूरा लैरिंग्स बना रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसमें लैरिंजियल प्रोमिनेंस आता है, थायरॉयड कार्टिलेज आता है, क्राइकोथायरॉयड लिगामेंट आते हैं, ये इंट्रिंसिक होता है, ऊपर थायरॉयड लिगामेंट एक्सटेंसिक है, थायराकॉइड सॉरी, और ये क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट इंट्रिंसिक है, नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज बताया गया है, और यहाँ तक का क्रिकोट्रेकियो लिगामेंट जो कि एक्सटेंसिक है, यहाँ तक का पार्ट लैरिंग्स बनाता है, और उसके नीचे ट्रेकिया है, ट्रेकिया में ट्रेकियल कार्टिलेज दिखाए गए हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो ट्रेकियल कार्टिलेज है। तो ये स्ट्रक्चर है लैरिंग्स की। अब लैरिंग्स की स्ट्रक्चर में हमने कहा पहला तो थायरॉयड कार्टिलेज होता है, ये सबसे लार्जेस्ट हाईलाइन कार्टिलेज है जो कि आगे की एंटीरियरली ये निकला हुआ रहता है, जिस वजह से अपन इसको एडम्स एप्पल कहते हैं, थायरॉयड कार्टिलेज। डायग्राम में देख लीजिए थायरॉयड कार्टिलेज को आप, ये थायरॉयड कार्टिलेज की स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट है, इसको अपन क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। दूसरी स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स की सुपीरियर ओपनिंग है एपिग्लॉटिस, डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम के अंदर एपिग्लॉटिस ये ऊपर, सबसे ऊपर एपिग्लॉटिस बताई गई है, जो कि क्या है, लैरिंग्स की सुपीरियर ओपनिंग है, तो ऑब्वियस सुपीरियर रीजन में पाई जाएगी, ये रूट है जहाँ से फूड जो है लैरिंग्स तक जाता है, और एयर जो है वो ट्रेकिया की तरफ जाती है, फूड लैरिंग्स की तरफ और एयर ट्रेकिया की तरफ जाएगी,
इसके बाद वोकल कॉर्ड्स, जिसको अपन वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं तो एयर एक्सपेल्ड होती है, बाहर निकलती है और साउंड बनता है, यानी स्पीच आवाज़ आती है, आपको सुनाई देती है। ये वोकल कॉर्ड्स हैं। वोकल कॉर्ड्स के बाद ग्लॉटिस आता है, जो कि वोकल कॉर्ड्स के बीच की ओपनिंग को अपन ग्लॉटिस कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स के बीच की ओपनिंग को अपन ग्लॉटिस कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेकिया, जिसको आप विंड पाइप भी कहते हैं। ये लैरिंग्स को ब्रोंकाई से जोड़ती है। सीलेटेड म्यूकोसा की लाइनिंग इसमें पाई जाती है। ये कंटिन्यूसली बीट होती रहती है अपोजिट डायरेक्शन में, इनकमिंग एयर की अपोजिट डायरेक्शन में ये कंटिन्यूसली बीट होती रहती है। और म्यूकस का लोड अगर हो जाता है तो डस्ट और म्यूकस के लोड को और भी कोई दूसरा कचरा है उसको लंग से बाहर फेंकता है या दूर हटाता है लंग से। म्यूकस के साथ में कोई डस्ट है, कोई अदर डेब्रिस यानी कचरा है तो उसको लंग से दूर लेकर के जाता है। ये काम है ट्रेकिया का। इसकी वॉल्स जो हैं वो सी शेप के हाइलैंड कार्टिले से री इन्फोज रहती है, जो अभी अपन ने पहले डायग्राम में भी देखा था। ये डायग्राम ट्रेकिया का, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, लंग टिश्यू में ये खुल रहा है। ट्रेकियोस्टॉमी काट करके अलग किया जाता है। ट्रेकियोस्टॉमी देखो ये नेचुरल भी हो जाती है भाई। ट्रेकियोस्टॉमी आप लोग अगर ड्यूटी अभी देते तो कोरोना में एक केस आया था, सुसाइडल केस था, यहाँ से शायद डूंगरगढ़ से, या डूंगरगढ़ से तो नहीं था वो, एक जगह से केस आया था अपने पीबीएम के अंदर। उसमें नेचुरल ट्रेकियोस्टॉमी जो है, एक यंग बॉय था 21 ईयर्स का नियर अबाउट होगा, उसकी नेचुरल ट्रेकियोस्टॉमी हुई हुई थी जिस वजह से वो बच गया, जबकि वो बहुत क्रॉनिक कंडीशन में था, सुसाइडल अटैक था वो, अटैम्प्ट था वो, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैम्प्ट था, उसके बावजूद वो बच्चा बच गया था क्योंकि उसकी नेचुरल ट्रेकियोस्टॉमी हो गई थी। तो ये देखिए ट्रेकियोस्टॉमी दिखाई गई है, इसको अच्छे से आप देख सकते हो कैसे पोजीशन पे सही लिटाते हुए ये ट्रेकिया देखा गया। देखो सबसे पहला भैया, जब पेशेंट आपके पास आता है ट्रेकियोस्टॉमी के लिए तो शोल्डर एलिवेटेड रखते हुए सैंड बैग पर उसको फिर लेटाया जाता है। दूसरे में एनाटॉमी और सरफेस टोपोग्राफी के थ्रू आप उसका इंसीजन की लाइन लगाएंगे, इंसीजन लगाएंगे, स्किन और फैट रिट्रैक्ट करेंगे वहाँ से। फिर स्टेप मसल्स रिट्रैक्ट करेंगे ट्रेकिया को एक्सपोज करते हुए, ताकि एक्सपोज हो ट्रेकिया। फिर प्री ट्रेकियल वीनस प्लेक्सस डिवाइड होता है। खैर वैसे हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, आप सर्जरी में पढ़ेंगे ट्रेकियोस्टॉमी, आपके एमएसएन के अंदर आएगा सेकंड ईयर में, वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा ट्रेकियोस्टॉमी को। हाँ, लूणकरण सर से एक्चुअली वो ट्रेकियोस्टॉमी वाला केस आया था, अभी कोरोना टाइम पीरियड की बात है। अब नेक्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई ट्रेकिया के डिवीज़न से बनती है। ये ट्रेकिया जो लॉन्ग ट्रेकिया आता हुआ लेफ्ट और राइट साइड में बाईफर्केट होता है, तो उसके वो जो ब्रांच है बाईफर्केट हुई उसको अपन ब्रोंकाई कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये लंग्स में हाइलस रीजन से एंटर होती है, यानी मीडियल डिप्रेशन से ये एंटर होती है। राइट ब्रोंकस थोड़ा सा वाइड होता है, छोटा होता है और स्ट्रेट होता है लेफ्ट के कंपेरिजन में, वाइडर शॉर्टर एंड स्ट्रेटर देन लेफ्ट। ब्रोंकाई अगेन सब डिवाइडेड होती है छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, जिनको अपन ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ट्रेकिया, ये दोनों साइड लंग बताए गए हैं और ये डिवाइड होती है, तो राइट मेन प्राइमरी ब्रोंकस बताई गई है। फिर आगे जाकर के ये लंग के अलग अलग रीजन में लोबर ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस, इन्फीरियर लोबल लोब ऑफ लेफ्ट लंग, इन्फीरियर लोब ऑफ राइट लंग, फिर मिडल लोब ऑफ राइट लंग, ये स्ट्रक्चर बताई गई है। अब ब्रोंकाई ख़त्म, तो ब्रोंकाई अंदर जाके किस में ख़त्म हो रही है, लंग्स में। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है लंग्स। लंग्स क्या है, पूरी थोरेसिक कैविटी को, अधिकतर थोरेसिक कैविटी को ऑक्यूपाई कर लेता है। लंग्स आपकी मोस्टली थोरेसिक कैविटी को ऑक्यूपाई किया रखता है। इसका एपेक्स जो है वो क्लेविकल रीजन के पास होता है, यानी सुपीरियर पोर्शन इसका क्लेविकल साइड है। जो बचा हुआ रेस्ट का बेस है वो डायफ्राम पर पाया जाता है, इन्फीरियर पोर्शन इसका डायफ्राम पर है। हर एक लंग जो है वो लोब्स में फिशर के द्वारा डिवाइड रहते हैं। इस डायग्राम में भी आपने देखा था ना फिशर, ये देखो ये छोटे छोटे से ये जो लाइनें बनी हुई है दैट इज़ फिशर।
तो ये फिशर के द्वारा ये आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक फिशर है इसमें इसलिए दो पार्ट्स में, और राइट में दो फिशर है इसलिए तीन पार्ट्स में लंग जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो फिशर के द्वारा इसमें ये लोब्स में डिवाइड रहता है, लेफ्ट लंग में दो लोब्स होते हैं, राइट लंग में थ्री लोब्स होती हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं, ये लंग्स की पूरी स्ट्रक्चर, एंटीरियर रीजन बताई गई है, थोरेसिक वर्टिब्री दिखाया गया है, पोस्टीरियर पार्ट है ये उसका, ये रिब्स हैं, अंदर जाकर के ये राइट लंग को आप क्लियर से देख सकते हो, राइट लंग की जो कवरिंग है उसको पैराटल प्लूरा कह रहे हैं, उस पैराटल प्लूरा के अंदर दूसरी कवरिंग विसरल प्लूरा है, अंदर की तरफ प्लूरल कैविटी है, ये राइट प्राइमरी ब्रोंकस है, बड़ी ब्रांच जो ट्रेकिया के अंदर खुल रही है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, फिर राइट पल्मोनरी आर्टरी भी यहाँ पर दिखाई गई है रेड से, राइट पल्मोनरी वेन ब्लू कलर की बताई गई है, ये स्टर्नम रीजन है, यहाँ पर हार्ट की स्ट्रक्चर बताई गई है मीडिया स्टेनम में, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये बॉडी की वॉल बताई गई है, ये लेफ्ट लंग है, और ये रूट ऑफ लंग एट हाइलस, हाइलस में जहाँ से वो घुस रहा है, और फिर ईसोफेगस पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम में ईसोफेगस है। अब लंग्स की कवरिंग, तो पल्मोनरी और विसरल प्ल्यूरा जो है वो लंग की सरफेस को कवर किए रहती है, और जो पैराइटल प्ल्यूरा है वो थोरेसिक कैविटी के वॉल की लाइन बनाती है, तो दो इसकी कवरिंग है, पल्मोनरी प्ल्यूरा और पैराइटल प्ल्यूरा, पल्मोनरी को विसरल प्ल्यूरा भी कहते हैं जो लंग सरफेस को कवर किए रहते हैं, पैराइटल प्ल्यूरा थोरेसिक कैविटी की वॉल की लाइनिंग बनाती है, और इनके अंदर प्ल्यूरल फ्लूड पाया जाता है जो इस एरिया को पूरे को भरे रखता है, द एरिया बिटवीन द लेयर्स ऑफ प्ल्यूरा टू अलाउ ग्लाइडिंग, जो प्ल्यूरा की लेयर्स हैं उस में ये उनके बीच में ये भरा हुआ है ताकि ग्लाइडिंग हो सके, फिसलन बन सके। तो देखो बड़ा अच्छा दिखाया गया है, सबसे बाहर पैराइटल प्ल्यूरा खुलती हुई बताई गई, अंदर विसरल प्ल्यूरा, उसके अंदर कैविटी है, प्ल्यूरल कैविटी। अब देखो ये कलरफुल डायग्राम जो है उसमें ऑरेंज कलर से विसरल प्ल्यूरा पूरी बताई गई है, पर्पल कलर से पैराइटल प्ल्यूरा दिखाई गई है, थोड़ा सा अलग ग्रीन कलर जो है वो कॉस्टल प्ल्यूरा को इंडिकेट कर रहा है, पैरेट ग्रीन डायफ्रामेटिक प्ल्यूरा है, डार्क ये जो मर्जेंटा कलर है वो मीडिया स्टीनल की प्ल्यूरा है, येलो कलर सर्वाइकल प्ल्यूरा है, पिंक कलर फेशियल मेम्ब्रेन है, और जो डॉटेड लाइन है उसे एंडोथोरेसिक फेशिया बताई गई है, और ये जो स्टार टाइप बनाया हुआ है ये पैराइटल प्ल्यूरा के पार्ट्स हैं। तो देखिए डायग्राम में कोलैप्स्ड हुए हुए लंग दिखाए गए हैं, और यहाँ पर इन्फ्लेटेड लंग्स, लंग्स में भाई या तो वो या कोलैप्सिंग भी हो सकती है, दब सकते हैं, या फिर उनमें सूजन आ सकती है। देखो दबे में तो देखो ये छोटा कितनी छोटी ये स्ट्रक्चर हो चुकी है, ये जो विसरल प्ल्यूरा की बताई गई ना, सबसे बाहर देखिए ये प्ल्यूरल कैविटी है, उसमें लंग्स कोलैप्स हो गए इसलिए छोटा हो गया, ये पार्ट ये बेचारा छोटू हो गया, तो ये कोलैप्स लंग को बताया गया, ये इसकी विसरल प्ल्यूरा है, ये प्ल्यूरल पैराइटल प्ल्यूरा इतनी बड़ी है, पैराइटल प्ल्यूरा विसरल प्ल्यूरा बीच में कितना गैप आ चुका है, थोरेसिक वॉल लाइंड विद एंडोथोरेसिक फेशिया, जबकि दूसरी साइड काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इन्फ्लेटेड लंग है, इसका हाइलम रीजन दिखाया गया लंग का, जहाँ से लंग के रूट में ये एंट्री हो रही होती है, ये सुप्रा प्ल्यूरल मेम्ब्रेन्स हैं सबसे बाहर, सर्वाइकल प्ल्यूरा मीडिया स्टीनल पार्ट है, और कॉस्टल पार्ट है, डायफ्रामेटिक पार्ट बताया गया है। तो ये डायग्राम आप देखिए, कैविटीज़ बताई गई हैं राइट और लेफ्ट पल्मोनरी कैविटीज़, जो कि सेपरेट हो रही है मीडिया स्टेनम के द्वारा, और पैराइटल प्ल्यूरा की लाइनिंग है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है लंग्स को विसरल प्ल्यूरा के रूप में। अब रेस्पिरेटरी ट्री का डिवीज़न देखिए, तो ट्रेकिया के बाद सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई आती है, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, और वो डिवाइड होकर के टर्शियरी ब्रोंकाई, और टर्शियरी ब्रोंकाई जब और छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो उसको ब्रोंकियोलाई कहते हैं, और ये ब्रोंकियोलाई जब एकदम किनारे पहुंचती है तो वो कहलाती है टर्मिनल ब्रोंकियोलाई। आपको डायग्राम में ये सारी चीज़ दिख रही है, ट्रेकिया, ये ट्रेकिया के कार्टिलेज है, आधी आधी रिंग्स होती हैं ये, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल जो एकदम किनारे पर हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल आगे जाकर के ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल आगे जाकर के राइट मेन ब्रोंकस में नहीं सॉरी लोअर ब्रोंकस बताई गई हैं, ब्रोंकाई बताई गई है, और आगे जाकर के ब्रोंकस में राइट मेन प्राइमरी ब्रोंकस, और नीचे की तरफ ये टर्मिनल ब्रोंकियोल किससे जुड़ रहे हैं या किनारे पे किससे जुड़ रहे हैं, एल्वियोलर सैक या एल्वियोलस से जुड़ रहे हैं। ये रेस्पिरेटरी का डिवीज़न,
ट्रेकिया एक ही होता है, ब्रोंकाई जो है वो 2, 4 और 8 नंबर में बताई गई है। ट्रेकिया ब्रोंकाई दोनों में सीलिया पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, और कार्टिलेज ट्रेकिया में पाए जाते हैं पर जो ब्रोंकाई है उसमें पैची रीजन्स में पाए जाते हैं। ब्रोंकियोल्स के कोई नंबर नहीं, खूब सारे हैं ये। सीलिया इनमें भी पाया जाता है, स्मूथ मसल्स भी पाई जाती है, पर कार्टिलेज ब्रोंकियोल्स में नहीं पाया जाता। ये पूरा पार्ट कंडक्टिंग जोन कहलाता है। इसके नीचे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो कि रेस्पिरेटरी जोन बनाता है। नंबर्स इसमें नहीं, बस एल्वियोलर सैक खूब सारे होते हैं, 6 × 10⁻⁸ नंबर में एल्वियोलर सैक्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सीलिया रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल में बहुत कम पाए जाते हैं, पर एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक में नहीं पाए जाते। इस तरह स्मूथ मसल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल और एल्वियोलर डक्ट में पाई जाती है पर सैक में नहीं पाई जाती है, और कार्टिलेज इसमें से किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है ब्रोंकियल्स। बहुत छोटी छोटी ब्रोंकियल ब्रांचेज जो है वो ब्रोंकाई के अंदर पाई जाती हैं। ब्रोंकाई की छोटी छोटी ब्रांचेज को एक्चुअली अपन ब्रोंकियल्स कह रहे हैं, और इनमें सभी पर जो छोटी वाली ब्रांचेज होती है वो उनमें री इन्फोर्सिंग कार्टिलेज होता है। टर्मिनल ब्रोंकियल्स आगे जाकर के एल्वियोलाई में ख़त्म होती हैं, जैसा आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। टर्मिनल ब्रोंकियल आगे जाकर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स ये एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड हो गई, और फिर जाके एल्वियोलाई यानी एल्वियोलर सैक में खुल रही है, एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलस में खुलती है। रेस्पिरेटरी जोन की स्ट्रक्चर में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाई आती है, एल्वियोलर डक्ट आती है, एल्वियोलाई आती है। ये वो साइट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगी। एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे O2 और CO2 का आदान प्रदान चलता है। तो डायग्राम में भी बहुत अच्छे से दिखाई गई है एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलर डक्ट कैसे, एल्वियोलर सैक कैसे है। ये ब्रोंकियोल्स खुल रही हैं, ब्रोंकियोल्स टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से आती हुई रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स से जो कि एल्वियोलाई में खुल रही है। एल्वियोलाई जो है इसमें एल्वियोलर डक्ट सैक एल्वियोलस पाया जाता है, और इसका काम क्या है, इसका मेन फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज करना। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स देखिए, एयर ब्लड बैरियर इसको कहा जाता है। ये थिन स्क्वैमस एपिथेलियल लेयर है जो एल्वियोलर वॉल की लाइनिंग बनाती है। पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वो एल्वियोलाई के एक्सटर्नल सरफेस को कवर किए हुए रहती है, इसीलिए तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि एल्वियोलाई के एकदम बाहर के सरफेस सब जगह क्या पाई जाती है, पल्मोनरी कैपिलरीज जिसके अंदर ब्लड भरा रहता है। तो लंग्स और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज ये एल्वियोलाई ही करवाती है, जिसकी लाइनिंग किसकी बनी है, थिक स्क्वैमस एपिथेलियल लेयर की लाइनिंग बनी हुई है। ये याद होना चाहिए कि किसकी लाइनिंग किससे बनी हुई है, क्योंकि ये चीज़ें आगे बहुत काम आती है। जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपसे पूछती हूँ कि किसकी लाइनिंग पाई जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, तो आपको बताना होता है कि स्क्वैमस एपिथेलियल लेयर की पाई जाती है, क्योंकि जो लोग सिगरेट स्मोकर होते हैं ना उनके अंदर ये चेंज हो जाती है, स्क्वैमस एपिथेलियल की लाइनिंग नहीं पाई जाती। जो चेन स्मोकर्स होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अक्सर करते रहते हैं, उनमें कभी स्क्वैमस एपिथेलियल की लाइनिंग नहीं पाई जाती, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाती है। याद कर लीजिए चीज़। अब देखिए भाई, टाइप 1 सेल दिखाई गई है एल्वियोलर डक्ट की, यहाँ टाइप 2 सर्फेक्टेंट सीक्रेटिंग सेल इसको कहते हैं। ये एपिथेलियल सेल का न्यूक्लियस है, एंडोथेलियल सेल का न्यूक्लियस बताया गया है, कैपिलरीज बताई गई हैं, क्योंकि कैपिलरीज में होती है एंडोथेलियल सेल्स, तो इसमें तो एपिथेलियल होती है बेचारे रेस्पिरेटरी में। तो ये मैक्रोफाज दिखाई गई है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पास में। ये एल्वियोलर पोर्स हैं कैपिलरी के, एल्वियोलर पोर्स एंड कैपिलरी, कैपिलरी में जाएँ ये खुल रहे हैं एल्वियोलाई के पोर। ये रेड ब्लड सेल्स हैं कैपिलरी के अंदर, ये देखो पूरी कैपिलरी इसको घेरे हुए है एल्वियोलर सैक को बाहर से। एल्वियोलाई जहाँ पर गैस भरे हुए एयर स्पेस होता है उसको एल्वियोलाई अपन कहते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स और कैपिलरीज, कैपिलरीज में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके बीच में देखो O2 CO2 का एक्सचेंज बहुत अच्छे से दिखाया गया है। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये एल्वियोलर एपिथीलियम है, फ्यूज्ड बेसल लाइंस एल्वियोलर एपिथीलियम की, कैपिलरी एंडोथीलियम और कैपिलरी एंडोथीलियम दोनों साइड से दिखाई गई है। ये डायग्राम पूरा अच्छे से बढ़ा करके बताया गया, जो मैंने आपको वहीं पढ़ के बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिएगा खुद से। अब गैसेस एक्सचेंज, गैस जो है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है बाय द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द गैस एक्सचेंज फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, और वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन
कि बीच में गैसेस जो है वो क्रॉस करती हैं, ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करती है, CO2 एल्वियोलाई में एंटर करती हैं। यहाँ मैक्रोफाज पाए जाते हैं ताकि प्रोटेक्शन दे सके किसी फॉरेन पार्टिकल से। इसमें सर्फेक्टेंट कोट्स किए रहते हैं गैस एक्सपोज एल्वियोलर सरफेस को। ये गैसेस एक्सचेंज चल रहा है भाई, देखो बड़ा अच्छे से बताया गया है। एल्वियोलर वॉल जो कि सर्फेक्टेंट से कोट हुई हुई रहती है, O2 बाहर जा रही है एल्वियोलाई से ब्लड में और CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में आ रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, ये वेन्यूल बताई गई हैं, ये आर्ट्रियल लेकर के आ रही है। बस यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज के साथ अपन ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ फिजियोलॉजी अपन ने स्टार्ट कर ली। एनाटॉमी तो हो गई थी पूरी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी मैंने पढ़ा दी, और फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी। फिजियोलॉजी में तो आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज करता है, जो हमने अभी पढ़ लिया। इसका रिमेनिंग पार्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका नेक्स्ट पार्ट अपन अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये पूरा ब्लड फ्लो देखो, इसको एल्वियोलाई को कैसे कवर किया रहता है, पल्मोनरी आर्ट्रियोल, पल्मोनरी वेन्यूल। ये पल्मोनरी वेन्यूल जो है वो देखो, ये दोनों अलग काम करते हैं, याद रखना आपको। रेस्पिरेशन में उल्टा काम चल रहा होता है आर्टरी और वेंस का, जो कि आपके हार्ट में चल रहा था उसका जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है। ये पढ़ा था ना मैंने, हार्ट में पढ़ाया था आपको कि आर्टरी जो है वो CO2 को लेकर के आ रही है। इनफ्लो ऑफ ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड यहाँ लिखा हुआ है ना, क्योंकि ऑक्सीजन रहित ब्लड जो है यानी CO2 वाला ब्लड आर्टरी से आ रहा है, और प्योर ब्लड जो है वो वेन से जा रहा है, ऐसा अपन लंग में पढ़ते हैं। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों को।